जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था जिसमें फ्रॉम बता चुका था, इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन में आता है ऑफ, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं कि उसका यूज़ कैसे होता है। तो हमारा दूसरा वर्ड क्या है, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ माने भी होता है से। मैंने जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था फ्रॉम माने से, तो उसका तीन प्रकार से यूज होता है, उसको मैंने समझाया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जा करके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का एक दूसरा वर्ड है ऑफ, ठीक है। इस ऑफ वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सिर्फ इसका एक ही यूज़ है, बात को समझना, इसका एक ही यूज़ है, और वो यूज़ क्या है, जब कोई चीज़ किसी सतह से अलग होता है तो वहाँ से की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ नोट्स बना रहे थे तो आप इसको सेकंड नंबर डाल करके, दूसरा नंबर डाल करके, ठीक है, इसको आप लिख डालोगे नोट्स में अच्छे से, ठीक है। तो ऑफ माने होता है से, मैंने बताया कि ऑफ का यूज वहाँ होता है जब कोई सतह हो, ठीक है, कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और उस वस्तु को आप, जैसे मैंने इस हाथ पे रखा है तो इसको मैंने उठा लिया, तो ये जब यहाँ से, जैसे मैंने, ये मान लो टेबल है, ये टेबल है और ये पेन मैंने टेबल पर रखा है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पेन को टेबल से उठाया, मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने कलम को टेबल से उठाया, मैंने मेज से उठाया, तो से आया कि नहीं, तो वहाँ से की स्पेलिंग क्या लिखोगे, ऑफ लिखोगे, ठीक है। एक पेड़ है, मान लो पेड़ है और उस पर बंदर बैठा हुआ है, जैसे क्या क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और उस पर बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बंदर जब यहाँ से नीचे कूदेगा, ठीक है, तो पेड़ से कूदा, कहाँ से, पेड़ से कूदा, यानी कि पेड़ एक सरफेस था, वहाँ से वो अलग हो गया, तो क्या लग जाएगा, ऑफ। कोई दिक्कत है किसी को, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे किस क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, बात समझ में आ गया। और बात को समझो एक जगह और, जैसे बस है, बस पे आप बैठे हो, ठीक है, और बस से जब आप नीचे उतरते हो तो आप बस के सरफेस से क्या होते हो, अलग होते हो, तो वहाँ पर भी से की स्पेलिंग क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे मैंने बस से उतरा तो वहाँ पे ऑफ द बस, बात समझ में आ गई। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, तो चलो समझते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे पेड़ से मेज से बस से किसी को कोई दिक्कत, इतना सारा जो भी है, बस ये होना चाहिए कि इस वाले थिंक से क्या, कोई दूसरा वस्तु अलग हो, बिस्तर से, हाँ एक शब्द है, बिस्तर से कोई दिक्कत है, इसका क्या हो जाएगा, ऑफ द ट्री, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मेज का, ऑफ द टेबल, TABLE, या फिर ऑफ द बस, ठीक है। अब बिस्तर से किस पर क्या हो जाएगा, ऑफ द बेड, लिख लीजिएगा उसको, ऑफ द बेड। सेंटेंस कैसे बनेगा, बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। अब देखो, बंदर पेड़ से कूदा है ना, तो द मंकी कूदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द मंकी जंप्ड, मंकी ने कूदा कहाँ से, पेड़ से, ऑफ द ट्री। अगर कोई स्टूडेंट फ्रॉम द ट्री लिखता है तो वो गलत लिख रहा है, बात समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सरफेस से अलग होगा तो वहाँ से की स्पेलिंग क्या लिखिएगा, ऑफ लिखिएगा। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक आध सेंटेंस और देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, मेज से तो क्या हो जाएगा, ऑफ द टेबल, बात समझ में आ गया। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, यानी कि ऑफ, प्रीपोजिशन का एक वर्ड था ऑफ, ऑफ की जगह ऑफ की हिंदी होती है से, और उसका यूज़ कैसे करना है वो आपको मैंने समझा दिया। इसके पहले मैंने फ्रॉम के बारे में बताया था कि फ्रॉम माने भी से होता है, लेकिन उसका यूज़ कैसे होता है, तो आप दिमाग में रखिएगा। अक्सर जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऑप्शन में ऑफ भी होता है, फ्रॉम भी होता है, ये सब होता है, ठीक है।
तो जो क्या है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि कहाँ पे ऑफ लगता है, कहाँ फ्रॉम लगता है, वो सही करके आएगा। और जो हवा में बतियाएगा उसका कभी नहीं सही होगा, राइट। तो आप इसको नोट डाउन करोगे अपने नोट्स में, और फ्रॉम को भी अगर नहीं देखो तो उसको भी जा करके नोट डाउन करोगे, और अगले वीडियो में मैं इसके बाद जो शब्द है उसको बताऊंगा, राइट। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।